क्या नाम है बेटा? दीदी उर्मिला। कहाँ से आ रही हैं? मोती झील से। अच्छा, क्या परेशानी है आपको? आपको मेरे अंगूठा में आज 1.5 महीना से हम परेशान हैं। बहुत दवाई दर्पण किए, डॉक्टर किए गए। क्या हुआ, कहाँ अंगूठा पर का? मेरा ये आधा अंगूठा अच्छा। था, अब मेरा अंगूठा थोड़ा बहुत निकलने लगा। अच्छा, दवा वा कहाँ की? दवा कहीं से बहुत डॉक्टर के दिखाए और अपना दवाई किए और दर्द था बहुत ज्यादा। हाँ दर्द था, सूजन था गोड़ में, हर वक्त 1.5 महीना से पंछा फेंका था और आराम नहीं होत रहे। फिर जांच करौली तो डॉक्टर साहब बोलन कि इसको शुगर है, अगर शुगर ठीक हो जाएगा तब तो नाखून निकलेगा, नहीं तो नहीं निकलेगा। जांच में खाली बस मेरा शुगर बढ़ा है, 140 शुगर है मेरा। 140 शुगर कोई बढ़ा नहीं होता है, 140 नॉर्मल होता है। वही पर फिर अपना कौन कौन डॉक्टर दिखाई? कौन कौन से डॉक्टर दिखाई? बस ये दो डॉक्टर के दिखाए, आरपी सिंह को, आरपी सिंह के एक भोजू भी अपने किन डॉक्टर। अच्छा, तो आरपी सिंह उनका 4-5 दिन दवाई किए, उससे नहीं आराम हुआ। आरपी सिंह से? हाँ। फिर मेरी बेटी 8-10 दिन दवाई लाई हाल पर, उससे नहीं ठीक हुआ। अच्छा, दर्द बहुत था गोड़ में, सूजन हो जाता रहे, चलने में परेशानी रह रहे, हर वक्त पंछा देवल कर रो रो के बुरा हाल। हाँ है ना, वही पर हम बहुत चिंता रो, रोती रोती रही कि नहीं 1.5 महीना से? बहुत हम परेशान थे गोड़ के लिए। आप आए हैं, कहाँ से ठीक हुआ? आपके से ठीक हुआ मेरा पैर अंगूठा। चाकिए हम काम करते थे झाड़ू पोछा का, आप बोलती थी कि दवा कर लो दवा कर लो, मेरा बाकी हम नहीं किए कि चलो ठीक हो जाएगा दवा। तो डॉक्टर को दिखाई? डॉक्टर के दिखाए, 1.5 महीना हम दवा किए। अच्छा। दवा से कोनो फायदा हमको अच्छा, नहीं हुआ। अच्छा, फिर हम बहुत परेशान हो गए एकदम से। आपके नाते से झाड़ू पोछा करने के लिए डॉक्टर से बोले हैं कि ठीक हो जाएगा, जांच कराओ। डॉक्टर साहब बोले क्या, नाखून निकालना पड़ेगा? बोले नाखून निकालना पड़ेगा, मांस काटना पड़ेगा। हाँ, आपका शुगर कम होगा तभी निकलेगा, नहीं तो मांस नहीं, फिर घाव बढ़ जाएगा। अच्छा, पूरा उंगली काटना पड़ेगा? पूरा उठा कर नाखून पूरा निकालना पड़ेगा। अच्छा, तो हम डॉक्टर साहब बोले कि ऐसे नहीं निकलेगा। अच्छा, जब से आपका शुगर नहीं कम होगा तब से नहीं निकलेगा। ऑपरेशन करते हैं? हाँ, हम कौ दिन से, आज 15 दिन से परहेज करते हैं। अच्छा, ऑपरेशन करते हैं ना, मांस काट के? हाँ, निकालते हैं। हाँ, नाखून निकालते? हाँ, हैं ये सब पूरा निकाल देते हैं, पूरा कोना काटते हैं और नाखून। हाँ, को निकाल देते हैं? निकाल देते हैं। शुगर कम, शुगर कम हो जाता तो? हाँ, शुगर 140 ज्यादा नहीं है उसमें? बोले कि नहीं ज्यादा, 110 रहेगा तभी होगा। अच्छा अच्छा, तब कहे ठीक है, ओहो हम करके देख ले रहे हैं। अच्छा अच्छा, बाकी हम बहुत परेशान हो गए एकदम से। कहाँ से ठीक हुई? ठीक हुई आपके से, डॉक्टर के से ठीक हुई। कहाँ? यहाँ आपके नाम झाड़ू पोछा का नाम है उनका? उनका नाम कमलाची आंटी जी है। रेखा कमलाची, रेखा आयुर्वेदिक, आयुर्वेदिक रेखा आयुर्वेदिक से ठीक हो गई? मेरा वही से बहुत 8-5-6 दिन में हमको दीदी हमको बहुत रो रही थी उस दिन ना, परसों नरसों बहुत हम इतना रो रहे थे कि भगवान पता नहीं कहाँ का कष्ट हमको दिए हैं कि हम इतना परेशान है। कभी जिंदगी में हम परेशान हम नहीं थे अपने घाव के लिए, बाकी भगवान पता नहीं क्या कर दिए। आप बोलिए, बहुत कहती थी कि दवा कर लो उर्मिला, दवा कर लो मेरा, बाकी हम नहीं किए कि चलो ठीक हो जाएगा। बाकी आप किए ना आने के बाद फिर सगरों समझे दवा के ना आए, पानी में डाल के दवा दी, कहीं लो उर्मिला मेरे सामने पियो तुम दवा, हम तुमको पिलाएंगे, पी के देखो आराम होता है कि नहीं। बाकी हम पिए, दो अल्लाह दीदी के हाथ से फिर हम घर पर अपना दिए। दीदी बोले कि खाओ, देखो आपको बहुत जल्दी आराम हो जाएगा दवा से। बाकी हमको बहुत आराम मिला है दवा। रो मत। बाकी हम नहीं सोचते थे कि मेरा घाव ठीक होगा, बाकी दीदी के नाए से मेरा घाव एकदम इतना आराम हो गया। एक हफ्ता में कि कहे कि नहीं तो हम 1.5 महीना से। अभी एक हफ्ता कहाँ भैया, 2-3 दिन भैया बस।
चलो ठीक हो जाएगा। अब उसका रंग रूप जो है ना, जो नाखून अंदर घुस रहा था, नाखून नाखून ऐसे करो, नाखून जो ये अंदर अंदर नाखून, नाखून बाप रे बाप, इतना नाखून अंदर घुस गया था। आधा नाखून अंदर घुस गया रहा, बच गया नहीं, होली कटवाना पड़ता बस। एक तेईस और रह गया कोने के लग गए। ठीक हो जाएगा, घबरा नहीं, अब ठीक हो जाएगा। अब रोने जैसे हम बोले हैं वैसे ही करो, ठीक है। बहुत तनाई सूजन रहा तो ले पंजा पर हर वक्त सूजन रहा। अच्छा बाप रे, हाँ बड़ा कष्ट होता है ना चलने की जगह है ना, चलने में उठना बैठना चलना। चलो ठीक हो जाएगा, ठोकर लग जाए चिंता ना करो, अब मत रो, ठीक हो गया, अब ठीक हो गया। आप क्या रो रही हो? ठीक है, अब ये दवा खाना जैसे जैसे बताए, तेल लगाना और पाउडर खाना, ठीक है। चलो अब खुश हो, हंसो, हैं, और दूसरों को भी ठीक करो, ठीक है। जो भी अगल बगल जान में पड़ोस में या कोई जानने वाला हो, जो भी दुख है, जिसको भी देखो दुख है, तुरंत भेजो यहाँ। पैसा नहीं लेना है, जो खर्च है वो लेना है, जो नहीं दे सकता है पैसा उसको, उससे कुछ भी नहीं लेना है। आप लोग खाली ठीक हो बस, ठीक है। हाँ।